हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब कुकिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रेनू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी भरवा मिर्च। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन या कढ़ाई गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी हींग, साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 कप बेसन और बेसन को बिल्कुल धीमी आंच पर हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम 5 से 7 मिनट बेसन को अच्छे तरीके से भून लेंगे, या तो जब तक बेसन से बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो बेसन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट पर हम निकाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे और बेसन को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। बेसन हमारा ठंडा हो गया तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे, 1 चुटकी हींग डाल देंगे, 2 चम्मच डाल देंगे सरसों का तेल और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे साइड में। हमने ले लिया है 500 ग्राम इस तरह के मोटे वाले मिर्च जिसे हमने धोकर पानी अच्छे से सुखा लिया है। तो इस तरह से हम इसमें बीच में चीरा लगाएंगे और इसका अंदर से जितना गूदा और बीज है हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी मिर्ची को तैयार कर लेना है। सभी मिर्ची हमारी तैयार हो गई हैं तो एक एक करके हम सभी मिर्ची को भर लेंगे। तो इस तरह से इसे दबाते हुए अच्छे से भर लेंगे और बाकी के बचे हुए भी मिर्ची हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और सभी मिर्ची हमारी भरकर तैयार हो गई है तो गैस पे हम चढ़ा देंगे एक पैन या कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे इस तरह से। मिर्ची को और भी ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी हींग, थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा अजवाइन और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से फैला देंगे और एक एक करके हम सभी मिर्ची इसमें डालकर 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं तो एक तरफ हमारी मिर्ची बहुत अच्छे तरीके से हो गई है तो इसे हम उलट पलट कर 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक कि हमारी मिर्ची सभी तरफ से अच्छे से नहीं पक जाती। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिर्ची सभी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से पक गई है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस राजस्थानी भरवा मिर्च बनकर तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो इस रेसिपी को आप एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करिए और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। फिर मैं मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।